जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी इस कौम की शान। आज फिर मैं ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पिंडी में आई हूँ। ये मोहल्ला कौन सा है? नेहारी वाला जामे मस्जिद के पास। आप देखें ये एक ट्रांसजेंडर है और गुरु साहब है, इनकी टांग कट गई थी शुगर की वजह से और दोनों ही शुगर के पेशेंट हैं। और मुझे पता चला तो ये मैं व्हील चेयर लेके इनके लिए, ये देखें ये अलीशा है जिनकी टांग कटी है। आप बताइए आपका क्या था मसला? बस बेटा मुझे गुज़श्ते 10 साल से शुगर था, शुगर की वजह से मेरे पाँव पे जख्म आ गया, जख्म सही नहीं हो सका। आखिर ये 5 तारीख को यानी कि दूसरा महीने की 1 तारीख को डॉक्टरों ने पैर काट दिए और घर पे पड़ी हूँ। अल्लाह ताला इनका भला करे, इन्होंने सुन के हमारे लिए कुछ इमदाद लिया है, अल्लाह ताला इनका अजर दे दे। अब आप भी बताइए, आप गुरु हैं और आपकी ये 8-10 साल हो गए शुगर है। मुझे भी फालज का झटका लगा था, ये अभी चैट भी, अब शुक्र है कोई हाथ भी बेहतर हो गया और ये पाँव नहीं सही हो रही है। थोड़ा सा आप ये सबको बताइए, आपका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है पुरसाने हाल? हमारा सबसे पहला तो अपने खानदान वाले निकाल देते हूँ मैं, उसके बाद माशरा में जिस तरह हम जीते, अल्लाह माफ करे, जिस तरह हम कोई नापाक चीज है, न माशरा हमें तालीम देने देता है, न हमें कोई काम करना देता है। अगर काम मजदूरी भी करना चाहिए, मजाक उड़ा उड़ा के हमें उस काम से हटा देते हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर या तो भीख मांगते हैं या तो बिस्मिल्लाह करते हैं या डांस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वो तो जवानी के अय्याम तक है, जब जवानी गुजर जाते हैं बीमारियां शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होता। प्लीज मत रोएं, प्लीज मत रोएं। मेरे देखें, इंशाल्लाह मैं जो कर सकूंगी ना, मुझे पता है इतनी देर से चले। देखें मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, ये जामा मस्जिद के पास मैं कोई ढकी छुकी बात नहीं है, लाइट बैंक है उसके सामने, सलीम देसी घी वाले, उनसे आप ये अलीशा का पूछेंगे, वो आपको घर तक ले आएंगे। आना थोड़ा मुश्किल है पर हिम्मत तो करनी पड़ती है। प्लीज आप लोग मेरे साथ इस चीज में कार्य सवाब में मिले और इन लोगों का ख्याल करें। देखें अब मुझे किसी डॉक्टर ने बताया कि इनको व्हीलचेयर की जरूरत है, मैंने अपनी ओन पे ये व्हीलचेयर और स्टैंड लेकर आई। इसी तरह आप लोग भी इनिशिएटिव ले सकते हैं और आए इनका ख्याल करें। यहाँ पे ये ज्यादा लोग नहीं, 8-10 लोग हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस मामले में इनकी हेल्प करेंगे। ये बहुत दुखी हैं, इन्होंने मुझे भी दुखी कर दिया है, तो प्लीज आप लोग देखें। मैं आपको इनकी टांग दिखाती हूँ, देखें कितना इनका जख्म है, ये देखें। और अब दूसरे पांव की हालत देखें क्या हो गई है, कि ये भी ना काट जाए। और इनके पास इवन दवाइयों तक के पैसे नहीं है। देखें मैं अकेली हर जगह जाके ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करती हूँ, मुझे आपकी भी हेल्प की जरूरत है। प्लीज आप लोग मेरे साथ शामिल हो और इस कार्य सवाब में हिस्सा लें। मुझे बस आप लोगों से यही कहना है, मैं बहुत ज्यादा अपसेटिंग हूँ इसके लिए कि इन लोगों की कोई हेल्प नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जैसे मैं ये जगह ढूंढ कर आई हूँ मुझे 1.5 घंटा लगा, लेकिन अब आपको तो मैंने सारा एड्रेस बिल्कुल इजीली बता दिया है कि राजा बाजार में जामे मस्जिद के पास अलाइट बैंक है, इमाम बारा चौक कहलाता है, और सामने असलम देसी घी वालों की दुकान है, वो आपको सलीम देसी घी वालों, वो आराम से आपको इनके घर पहुंचाते हैं। तो प्लीज इनकी मदद करें, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं बस बहुत भरे दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनकी मदद के लिए आए। तब्दीली ना नहीं रही।